आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन जी जो है यहां पर विजिट करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बच्चों की काबिलियत जो है वो यहां पर देखी जाएगी और उनके लिए क्या कुछ स्कीम्स जो है लेकर आएंगे, ये इनसे बात करके जानते हैं। यहाँ पे ये सबसे बेस्ट हमारा पॉलिटेक्निक है जम्मू क्षेत्र में और बल्कि जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे हमने एक CEEE भी बनाया है, कोई 200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU हुआ था 2020 में और अभी 2 साल हो गए, लगभग तीसरा साल होने जा रहा है। अब हम अपनी फैकल्टी को भी सारे पॉलिटेक्निक्स में इनके जरिए ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये टाटा वाले चले जाए तो हमारे लोग खुद सक्षम हों वो चलाएँ उसको। इसमें हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की है और क्योंकि हमारा बच्चा फ्यूचर से है, दे आर आवर फ्यूचर, इसलिए इनके लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और उनके फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिपेयर्स है, लेजर वेल्डिंग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। इस तरह के काफ़ी कार्यक्रम हमने सिखाते हैं, 90 डे का एड ऑन कोर्स देते हैं, खासकर सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, ये कंप्यूटर के जो बच्चे हैं जो कोपा करते हैं ITI में या पॉलिटेक्निक में भी हमारा कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, तो वो जो रिलेटेड फील्ड्स हैं और IIT NIT IIM और हायर एजुकेशन से भी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिशनली हमारे हर पॉलिटेक्निक में 2-2 स्ट्रीम्स हैं, हम उसमें 2-2 3-3 और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी हमने इक्विपमेंट को 40 करोड़ का नया मंगवाना है, बाकी कॉलेजेस में यहाँ तो ऑलरेडी इक्विप्ड है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोई 7-9 स्ट्रीम्स पुराने पॉलिटेक्निक्स में ऑलरेडी हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, इसके साथ वुड टेक्नोलॉजी है, डिज़ाइन ये है आपका वुड टेक्नोलॉजी के साथ। बच्चियों को लेकर किस तरह की गारमेंट डिज़ाइन स्कीम्स किस तरह के लेकर आए हैं बच्चियों को लेकर? स्कीमें हमारी यहाँ देखिए, हमारे 3 साल का पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा होता है। अब जो NEP 2020 के हिसाब से वो इंजीनियरिंग में वैसे लेटर एंट्री में जाते हैं 3 साल, लेकिन जो NEP के हिसाब से मुझे लग रहा है उनको नया एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारे जो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे बाबा गुलाम शाह है, IUST है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, या जम्मू यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज है, कश्मीर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, GCET है हायर एजुकेशन, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के बगैर जा सकते हैं। हम एकेडमिक बैकअप क्रेडिट्स ABC बना रहे हैं अंतर्गत, इसमें जो 2020 की हमारी पॉलिसी है NEP, उसमें बच्चे अगर पॉलिटेक्निक में कुछ क्रेडिट आवर, जैसे आपने डिग्री के लिए 500 क्रेडिट आवर चाहिए, आपने पॉलिटेक्निक में 200 क्रेडिट आवर ऑलरेडी अर्न किए हैं, आपको 300 और करने पड़ेंगे और कोर्सेज को इंट्यून किया जा रहा है, ये बहुत जल्द कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमने अपने पॉलिटेक्निक ITI से बाहर आके भी स्किल करना शुरू कर दिया, जैसे आपने सुना होगा अभी कल ही हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे ITI में, पॉलिटेक्निक में भी शुरू नहीं किया है। वो कुछ 60,000 वीमेन ग्रुप्स हैं विलेजेस में जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं स्टेप वाइज मरहला तरीके में। हमने एक बैच निकाला है, 300 लड़कियों ने किया है, 12 दिन की RPL रिकॉग्निशन प्रियर लर्निंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करते हैं। जिन्होंने ग्रुप बनाया आज से 5-6 साल पहले, उन्होंने अपने इनकम लेवल्स बूस्ट करने के लिए, मार्केटिंग लिंक्स करने के लिए, किस तरह अपने प्रोडक्ट को होन करना है, मार्केट करना है, किस तरह उसमें डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट लानी है, जैसे मैं देख रहा था जो लड़कियाँ गारमेंट टेक्नोलॉजी, सिविल टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, फैशन टेक्नोलॉजी, किस तरह स्टिचिंग करनी, कैसे डिज़ाइन करना, कपड़ा कैसे काटना है, मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरह के कलर्स यूज़ होते हैं, कढ़ाई का काम भी सिखाते हैं, बसोली पेंटिंग भी सिखाते हैं और यहाँ पे और भी जो भी हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी हम सिखाते हैं, जैसे ट्रेडिशनली हमारा है वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, सिविल ड्राफ्टमैन का कोर्स ITI में है, वो यहाँ पे भी हम ड्राफ्टमैन का करा सकते हैं 2 साल का कोर्स। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में जिस तरह से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मिलता है, हमारे बच्चों को भी 50% वहाँ पर जॉब्स मिले। वहाँ पर JEE की एक्यूट शॉर्टेज है, रूरल डेवलपमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में, जल शक्ति जिसको कहते हैं, या रोड्स वगैरह में। इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में UT के अंदर, जैसे टनल प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर आपके इधर देखें ये जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं,
तो और इसके अलावा जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं जैसे IIT है, IIM है, दूसरे हैं, तो ये इस सारे में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे बच्चे, हम लोग 10th पास के बाद ही यंग उनको वहाँ से स्कूल से आते हैं, खासकर जो लेसर जो इनका इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो बच्चे आते हैं, उनको लड़कियों को ना हम यहाँ पे उसमें प्रगति में स्कॉलरशिप भी देते हैं 50,000 ईयर का जो पॉलिटेक्निक में। तो इस तरह से हम ITI में भी और IIT में और पॉलिटेक्निक में, ITI जम्मू के भी कोई 200 बच्चे अभी तक यहाँ पर CEE ट्रेन किए हैं और बाकी जगह के भी हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं बहुत डिपार्टमेंट के साथ। स्कूल डिपार्टमेंट जहाँ से बच्चे आते हैं, कॉलेज जहाँ बच्चे जाते हैं डिग्री करने, उनको भी हम देते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज। हमारे 3 मंथ 3 ईयर से कोर्सेज हैं, और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री के साथ बेटर पार्टनरशिप हो, प्लेसमेंट हो। हमारी यही कोशिश है कि बच्चा जो भी यहाँ से आया है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी वाले यहाँ ट्रेन करते हैं ऑटोमोबाइल में 90 डेज़ के एडवांस ट्रेनिंग, उनको 30-40,000 की नौकरी मिल जाए स्टार्टिंग में। इंडस्ट्री से हमारी ये शिकायत है, हमारे पास कोई 20,000 MSME है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट्स। अभी नई पॉलिसी आई 27,000 करोड़ की, जिसको अब तक बढ़ा के कोई 50,000 करोड़ किया गया है। हमें उम्मीद है, अपेक्षा है कि इंडस्ट्री वाले हमारे बच्चों को प्रेफरेंस दे दें, वो कहते हैं आप स्किल्स दे दीजिए, हम मॉडर्न स्किल फ्यूचर स्किल दे रहे हैं बच्चों को जो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो, इंडस्ट्री रेलिवेंट हो। और इंडस्ट्री वालों को भी यहाँ बुलाते हैं, जैसे टाटा वालों को हमने बुलाया, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने 2 सेंटर ये बनाए, एक कश्मीर में बारामूला में बनाए, एक यहाँ पर बनाए हैं, और भी सेंटर बनाएंगे। हमने हायर एजुकेशन को भी बुलाया, स्कूल को भी, हम ITI भी बढ़ा रहे हैं और पॉलिटेक्निक्स भी संख्या बढ़ा रहे हैं, ताकि हम हर जगह स्किल एजुकेशन को मेनस्ट्रीम करके स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ देते हैं। स्टूडेंट्स का टैलेंट आप साफ तौर से देख रहे हैं, मल्टीपर्पस व्हीकल जो है इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है यहाँ पर लगती है। जिस तरह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी की यहाँ पर विजिट थी, उसमें उन्होंने देखा कि कितना ज़्यादा टैलेंट जो है इन बच्चों में है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत ये करते हैं, और जब मेहनत की सराहना होती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि वो और ज़्यादा कुछ ना कुछ करें। आप ये देख रहे हैं कि मल्टीपर्पस व्हीकल हमने आपको दिखाया, किस तरह से बनाया है, कितनी मेहनत पूरी टीम की लगी है, ये भी जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आर्यन सिंह है। आर्यन, कहाँ से हो आप? मैं गंग्याल से हूँ। गंग्याल से, मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे, ये पूरी टीम की मेहनत जो किया हुआ है मल्टीपर्पस, ये टीम वर्क के हेल्प से ही हो पाया, वरना अकेले तो हो नहीं पाता है। पूरे टीम मेंबर्स में, मेरे टीम मेंबर्स हैं रक्षित राय जी, अश्विनी कुमार जी, विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू अचीव दिस गोल जी। और ये हमने कोरोना के टाइम पे बनाया था, जैसे ही कोरोना में कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसी के आइडिया में हमने कोरोना में आइडिया लिया था ये वाला, तो उसी के बेस पे बनाया। इसमें कैमरा भी है आगे, और कैमरे से आप सर्विलेंस कर सकते हो, एज ए सिक्योरिटी डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो आप, एज ए डिलीवरी डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी रेंज 100 से 150 मीटर है, वो तो आजकल देखा होगा आपने कार्स में थोड़ी ही रेंज आती है, बट वी हैव मेड इट स्पेशल सो इट कैन ट्रैवल फ्रॉम 100 to 150 meter डिस्टेंस। तो क्या क्या इक्विपमेंट लगा इससे बनाने मैम? इसमें चिपसेट लगा हुआ जो कि XUV700 में लगा हुआ है, PS32 लगा है मैम, इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगे हुए हैं, इसमें मोटर्स लगी हुई हैं, जहाँ पे हमने 4 मोटर यूज़ की हुई है मैम, DC मोटर्स हैं वो सभी, और बैटरीज यूज़ की हुई है इसके अंदर। इसका यूज़ किस तरह से करते हैं मैम? जो कि जहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे फॉरवर्ड से आगे जाएगी और बैक पीछे राइट लेफ्ट और सेंटर से स्टॉप हो जाएगी मैम, और जहाँ से मैं फुली दिख रहा है कि आगे ये कैसे काम करेगी, आगे क्या ऑब्जेक्ट है इसके, क्या नहीं है मैम, फुली दिख। और हमें इसके एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम। हम ऐसे एज ए सिक्योरिटी पर्पज यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीछे देखा जाए तो कोविड में हम कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी दे सकता था इसी के कारण, और मैम काफ़ी सारे फायदे हैं इसके, जैसे हम कोई भी सामान कहीं पर डिलीवर करना हो, वेट जो है ये कैरी कर सकते हैं मैम, ये तो हम 3 kg तक अभी तक कैरी कर सकते, क्योंकि इसका ना हमारा जो ऑब्जेक्ट है छोटा है अभी, क्योंकि अगर हम इसे बड़े अमाउंट पर बनाएंगे इसे तो फिर मैम ज़्यादा भी कैरी कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत की है बनाने की, आने वाले समय में क्या कुछ सोचा हुआ मैम? अगर हमारा बजट बढ़ेगा तो हम इसे जरूरी बड़ा ही बनाएंगे जी। तो जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर असगर ने यहाँ पर विजिट की, उन्होंने किस तरह से इसे देखा मैम? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छी चीज़ बनाई है जी मैम। कितनी मोटिवेशन आपको मिली आने वाले समय में और ज़्यादा? यस मैम, बिल्कुल बनाएंगे मैम, जैसे हमारा बजट बढ़ेगा हम ज़्यादा बनाएंगे। तो जिस तरह से कॉलेज विजिट जो है वो की जा रही है, और बच्चे जो है अपना टैलेंट जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बसोली आर्ट जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मैम पायल जी। पायल, क्या कहना चाहोगे, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, आपने अपना जो टैलेंट है डिस्प्ले किया हुआ है? यस मैम। मैम काफ़ी अच्छा टैलेंट है ये, अगर बच्चे सीखना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क है ये, अगर बंदा सीखे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैम आरसपुरा से। आरसपुरा से आए हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि जो आप काम करते हैं उसकी सराहना होती है? मैम बड़ा अच्छा है जी। तो काफ़ी देर से आप वेट करें कि डिस्प्ले यहाँ पर किया? यस मैम। क्या इसको आर्ट को लेकर, पेंटिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम यही है कि ये पेंटिंग हमारी जम्मू की पेंटिंग है, इसको काफ़ी आगे आना चाहिए, कि अभी जम्मू को काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि बसोली पेंटिंग क्या चीज़ है जी।
बाय द वे जैसे घर पे भी बोलेंगे हम उनको बताएंगे कि हम बसोली पेंटिंग कर रहे हैं तो वो पूछते हैं कि बसोली पेंटिंग है क्या, तो ये चीज़ हमें बाहर लानी है अभी, तो कल्चर को ज़्यादा जागरूक करना चाहते हैं। तो साफ तौर से आप देख रहे हैं कि पेंटिंग जो है यहाँ पर की गई, इसके अलावा और भी कई सारी जो चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं वो इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर 6th के जो बच्चे हैं उन्होंने इस तरह का ये जो है यहाँ पर स्कूल का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है, कॉलेज का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, उसमें पूरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे दर्शाया गया है। तो बच्चों में आप देख रहे हैं कि किस तरह का टैलेंट है, और जिस तरह से डॉक्टर असगर ने भी ये हमें बताया कि बच्चों के लिए आने वाले समय में काफ़ी तरह की जो स्कीम्स जो है वो लाई जाएगी और कई सारा एक्सपोजर जो है बच्चों के लिए मिलेगा। इसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लगातार विजिट कर रहे हैं, बच्चों का टैलेंट भी देख रहे हो, उनके लिए आने वाले समय में कई तरह की स्कीम्स जो है लेकर आएंगे। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक आप देखते रहे यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।